ये मेरा पेशेंट है 15 साल का, जो कि एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, जिसकी सर्जरी की गई पेशावर में किसी ने की थी, ठीक है। इसका बेसिकली इंट्रावेंट्रिकुलर ट्यूमर है, इसकी क्रेनोटमी किसी ने की थी, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रेनोटमी पेराइटल एरिया में हुई है। ट्यूमर एक्चुअली इंट्रावेंट्रिकुलर ट्राइगोनल ट्यूमर था, ठीक है। अब आते हैं इधर सीटी की तरफ, ठीक है। ये इसका पोस्ट ऑफ सीटी स्कैन है, ठीक है, आप ये देखिए। ये मैंने तो खैर रसोरी यहां से निकाली है, ठीक है, एंड आई हैड टू डू अ सेपरेट क्रेनियोटमी, ठीक है, यहां पे, ठीक है। अभी आपको मैं दूसरी वीडियो में दिखा देता हूं, आप ये चेक करें उसकी क्रेनियोटमी यहां से यहां। ही इज अ एफसीपीएस न्यूरोसर्जन, जो कि 2 साल की डिग्री में अपने आप को किसी सरकारी अस्पताल का पेशावर में पता नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर या क्या कहता है, लेकिन ही डज नॉट हैव अ सेंस कि ट्यूमर अगर इधर है तो आपने इधर किस लिए क्रेनियोटमी की है। Highly unacceptable. I think he should be held accountable for this incompetence. अभी आपको इसी तरफ लेके जाते हैं, आप बताएं। तो उसने इस तरह किया कि फिर सर्जरी की, तो सर्जरी के बाद उसने कहा कि ये नहीं निकल सकती, वो हमने जब दोबारा वो किया तो उसी में ही पड़ी थी, तो फिर उसने कहा कि ये जड़ों वाली है तो इससे मजीद नहीं निकल सकती, इसका इलाज नहीं। लेकिन उसने कहा था ग्रेड वन है और जड़ों वाली है, यार इसकी तो ये एफसीपीएस लेके वापस करें, ठीक है। 2 साल की डिग्री में उसको ये भी नहीं पता चला कि यार ग्रेड वन में जड़े नहीं होती हैं, और दिस इज द हाइट ऑफ इनकॉम्पिटेंस। ये पेशावर के सरकारी अस्पताल का अपने आप को असिस्टेंट प्रोफेसर कहता है, ठीक है ना, और एक छोटे से बच्चे के साथ। ये तो नहीं है इसका भांजा है उसके पास, मैं अभी आपको उसका जख्म दिखाऊंगा उसके साथ हुआ क्या। वो सारी आपको स्कैन्स तो दिखा दिए, अभी आके आप इसके निशान देखें, ठीक है। तो हियर मैंने पहले बताया इसका ट्यूमर इस जगह से अप्रोच करना है, ठीक है, लेकिन इसकी इंसिजन प्रोफेसर साहब ने इधर से लगाई है। आई मीन ही शुड बी लिटरली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ओके। एंड अगर ये इंग्लैंड या अमेरिका में इस तरह की सर्जरी कोई करता ही वुड हैव बीन हेल्ड अकाउंटेबल, प्रॉब्ली उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता, लेकिन पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब ये देखें इसके सर पे एम बन गया है, क्यों? क्योंकि आई हैड टू अप्रोच फ्रॉम हेयर, ऑलरेडी उसने ब्लड सप्लाई उसकी कट कर दी है, दिस शुड हैव बीन डन। अब सीख भी लें कुछ मेरे से थोड़ा सा, आपने एफसीपीएस का तो कैंसिल ही है ना, जीरो है बिल्कुल। आपको इंसिजन यहां से लेके सिर्फ यहां तक देनी थी और यहां से अप्रोच करके ट्यूमर निकालना था, लेकिन क्योंकि इस इंसिजन की वजह से मुझे यही इंसिजन दोबारा बनानी पड़ी दूसरी तरफ ब्लड सप्लाई की वजह से, जिसकी वजह से इसके सर पे अब एम है। अब ये 15 साल बच्चे के साथ कितनी ज्यादती हुई है, वहां तो बोरा अभी कैसे हो तुम, ठीक हो, जबरदस्त, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये याद रखना आप पाकिस्तानी मरीजों के साथ अब ये करेंगे, अभी तक तो मैं नाम नहीं ले रहा सर्जनों का, लेकिन आई थिंक इनफ इज इनफ। पिछले 5 साल से मैंने जितनी रीडू की है, मेरे ख्याल में मैं तो रीडू ही करता रहता हूँ बस सारा टाइम, और ये सेहत कार्ड पे असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि एफसीपीएस की 2 साल की डिग्री के बाद निकला है, ही शुड बी फायर्ड एक्चुअली, ही शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क ऑन प्राइवेटली एनीवेयर, और वो किसी के साथ असिस्टेंट 8 साल काम करे, मैं उसको मेडिकल अफसर रखने के लिए तैयार हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।